आज सुबह प्रशांत विहार पुलिस स्टेशन जो रोहिणी डिस्ट्रिक्ट में है, उनसे सूचना मिली थी कि सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाके की आवाज़ आई है। तुरंत पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो देखा कि कुछ वहाँ दुर्गंध भी थी और स्कूल के प्रमाइसिस में भी और आसपास के कुछ दुकानों में भी शीशे टूटे हुए थे। किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट नहीं आई है। पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स स्पॉट पर तुरंत पहुंच गए थे। क्राइम टीम, फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स, स्पेशल सेल, सभी लोग इन्वॉल्व हैं, सभी मौके पर हैं। इस बारे में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, धमाके के कारणों की जाँच और कैसे ये हुआ। इस विषय में जैसे ही कोई अपडेट होगा आप लोगों को सूचित किया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है अभी, किसी कोई कंक्लूसिव स्टेटमेंट देना ठीक नहीं होगा क्योंकि अभी जांच जारी है। जैसा मैंने पहले कहा, जैसे ही कोई फर्दर अपडेट होगा आपको सूचित। मेरे असेंबली क्षेत्र में ये जगह आती है, ब्लास्ट की आवाज़ बहुत तेज है, लेकिन खुशी की बात है, एक तसल्ली की बात है कि कोई व्यक्ति आहत नहीं हुआ, और जबकि उससे कोई 12-14 मीटर की दूरी पर पूरी शॉप है जहाँ पर लोग पूरी सुबह का नाश्ता कर रहे थे। आसपास के शीशे टूटे, गाड़ियों के शीशे टूटे, लेकिन रात की बात यह कि कोई व्यक्ति जो है इसमें आहत नहीं हुआ है। इस पूरे मामले की जांच हो रही है और बड़ी तेज़ी से सभी जांच एजेंसी यहाँ मौके पर आई हुई है और वो अपना काम कर रही है। मैं आम आदमी पार्टी के लोगों से कहूँगा कि वो हर चीज़ पर राजनीति करने की कोशिश ना करें। संवेदनशील मुद्दों पर भी अगर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करेंगे तो लोग आपकी इस गंदी राजनीति को समझ चुके हैं। सवाल तो यह है कि आज सुबह से ये घटना हुई है और इस घटना को हुए सुबह 7:41 की घटना है और घटना को घटित हुए भी लगभग 9-7 घंटे हो चुके हैं। अभी तक एक भी आम आदमी पार्टी का नेता, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री ये देखने नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। तो एक तरफ तो आप बिल्कुल इससे कंसर्न नहीं, आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि लोगों का हालचाल आकर के पूछे, और हम लोग सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे पार्षद भी यहाँ क्षेत्र के, हमारे पार्टी के ऑफिस बेयरर्स भी हैं यहाँ, सब लोग मौजूद हैं और हम इस बात को ध्यान कर रहे हैं कि लोगों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। और दूसरी तरफ ये लोग एयर कंडीशन कमरों में बैठ कर सिर्फ स्टेटमेंट देते हैं और सिर्फ उस पर राजनीतिक, उसके पीछे भी राजनीतिक स्वार्थ होता है, तो शायद ये व्यवहार ठीक नहीं।